क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। फर्स्ट रो में हम देखते हैं 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो -1 एंड -4 का सम होगा -5 एंड यहां पर +5 है, +5 एंड -5 आंसर इज 0। सेकेंड रो में देखते हैं अब हम -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 एंड -2 -7, -7 एंड +7 आंसर इज 0। थर्ड रो में हम देखते हैं 0 प्लस 3 प्लस -3, +3 एंड -3 आंसर इज 0। कॉलम, फर्स्ट कॉलम में देखते हैं 5 प्लस -5 प्लस 0, सो +5 एंड -5 आंसर इज 0। सेकेंड कॉलम -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 एंड -2 -3 एंड +3 आंसर इज 0, यहां पर भी 0। नंबर 3, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 एंड -3 आंसर इज -7 एंड +7, +7 एंड -7 आंसर इज 0। अब हम देखते हैं डायगोनल्स। फर्स्ट डायगोनल हम देखते हैं 5 प्लस -2 प्लस -3, +5 -2 एंड -3 आंसर इज -5 और यहां पर है +5, +5 एंड -5 आंसर इज 0। सेकेंड डायगोनल हम देखते हैं, हम एक डायगोनल इस साइड से देखेंगे तो दूसरा डायगोनल इस साइड से, -4 प्लस -2 प्लस 0, -4 एंड -2 -6 एंड 0 आंसर इज -6। तो यहां पर आंसर आता है -6। यहां पर बाकी सारे कॉलम एंड रो तो सेम है, कॉलम एंड रो का सम तो 0 ही आता है, लेकिन एक डायगोनल का सम आता है -6, सो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। सो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड मैजिक स्क्वायर को। इन सेकेंड मैजिक स्क्वायर 1 -10 0 -4 -3 -2 -6 4 एंड -7। फर्स्ट हम देखते हैं रो, रो फर्स्ट 1 प्लस -10 प्लस 0 इक्वल -10 एंड +1 आंसर इज -9, यहां लिखेंगे हम -9। सेकेंड रो में देखते हैं -4 प्लस -3 प्लस -2, -4 -3 -2 सभी माइनस में है, सो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 आंसर इज -9। नंबर 3, -6 प्लस 4 प्लस -7, -6 एंड -7 को हम पहले प्लस करते हैं, सेम साइन है तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं, आंसर हमारा माइनस में ही आएगा -13 एंड +4, ये हमारा +4 है तो ये इन दोनों में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा एक नंबर माइनस और दूसरा नंबर प्लस में होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमारा आंसर आएगा -9। अब हम देखते हैं कॉलम, कॉलम फर्स्ट में देखते हैं 1 प्लस -4 प्लस -6, -4 एंड -6 सेम साइन वाले नंबर्स को हम पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद अपोजिट साइन वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 प्लस 6 -10 एंड +1 -10 +1 आंसर है -9। माइनस साइन हमने इसे लगाया कि 10 इज ग्रेटर देन 1, सो इसका साइन लगेगा -9 इक्वल -9।
नेक्स्ट कॉलम हम देखते हैं, माइनस टेन प्लस माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल माइनस टेन एंड माइनस थ्री, आंसर इज माइनस थर्टीन एंड प्लस फोर आंसर इज माइनस नाइन। थर्ड कॉलम, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस सेवन, माइनस टू एंड माइनस सेवन आंसर इज माइनस नाइन। डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल में हम देखते हैं वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन, माइनस थ्री एंड माइनस सेवन आंसर इज माइनस टेन एंड प्लस वन आंसर इज माइनस नाइन, माइनस नाइन। सेकेंड डायगोनल देखते हैं हम, जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, जीरो तो हम नहीं ऐड करेंगे, माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स आंसर इज माइनस नाइन, जीरो को ऐड करने की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ आंसर आएगा हमारा माइनस नाइन। तो सभी सम हमारे माइनस नाइन ही है, रो कॉलम एंड डायगोनल सभी का सम माइनस नाइन इक्वल है, सो आंसर हमारा होगा इट इज अ मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, इन क्वेश्चन नंबर एट वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इक्वल ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट ए माइनस माइनस बी इक्वल ए प्लस बी, ये हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट है ए की वैल्यू ए इक्वल 21 एंड बी इक्वल 18। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए माइनस माइनस बी, तो यहां पर ए की वैल्यू हम रखेंगे 21 माइनस माइनस बी की वैल्यू इक्वल 21 माइनस माइनस प्लस 18, 21 प्लस 18 39। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी है, ए है हमारा 21 प्लस बी है 18, 18 प्लस 21 39, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट इज प्रूफ्ड। सेकेंड देखते हैं हम, ए इक्वल 118 एंड बी इक्वल 125। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले, ए माइनस माइनस बी, ए की जगह पे हमने रखा 118 माइनस माइनस 125, 118 प्लस 125 प्लस किया 8 प्लस 5 13, 3 कैरी 1 2 3 4 2 243। राइट हैंड साइड देखते हैं अब हम, ए प्लस बी, ए है 118 प्लस 125 243, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नंबर थ्री, नंबर थ्री में ए की वैल्यू है 75 एंड बी की वैल्यू है 84। फर्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस माइनस बी इक्वल ए है 75 माइनस माइनस 84, 75 माइनस माइनस प्लस 84, 5 प्लस 4 9 159। राइट हैंड साइड इक्वल ए प्लस बी, 75 प्लस 84 159। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, नंबर फोर, ए इक्वल 28 एंड बी इक्वल 11। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस माइनस बी, 28 माइनस माइनस 11, 28 माइनस माइनस प्लस 11 39। राइट हैंड साइड ए प्लस बी, 28 प्लस 11 39। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, इन क्वेश्चन नंबर नाइन यूज द साइन ऑफ स्मॉलर देन ग्रेटर देन
or equal in the box to make the statements true. First है minus 8 plus minus 4, इसमें आपको साइन लगाना है, minus 8 minus minus 4. तो यहां पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, minus 8 plus minus 4, minus 8 plus minus minus, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो माइनस होता है, माइनस 4, माइनस 8 और माइनस 4 को हम ऐड करेंगे, जब सेम साइन होते हैं नंबर्स तो वो ऐड हो जाते हैं, माइनस 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 8 प्लस 4 12, माइनस 12. एंड नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 8 इसी के नीचे सॉल्व करते हैं, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 8 एंड प्लस 4 अपोजिट साइन है सो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और चूंकि 8 इज ग्रेटर देन 4 तो यहां पर माइनस साइन होगा, 8 माइनस 4 4 माइनस 4, सो माइनस 12 एंड माइनस 4, माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 12, सो यहां ये साइन आएगा, बी माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19 15 माइनस 8 प्लस माइनस 19 माइनस 9. लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं पहले, प्लस माइनस 3 एंड प्लस 7, प्लस 7 माइनस 3 एंड प्लस 7, प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3 सो यहां पर प्लस साइन आएगा, अब 7 में से हम 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 4 प्लस 4. जब साइन अपोजिट होते हैं तो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, सो यहाँ पर 7 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होकर 4 आया, और 7 इज ग्रेटर देन 3 सो 7 के सामने जो साइन है वही हम आंसर में लगाएंगे, प्लस 4, प्लस 4 माइनस 19. अब हमारे पास 19 के सामने माइनस साइन है, 19 एंड 4, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, 19 के आगे हमारे पास माइनस साइन है सो हम यहां माइनस साइन लगाएंगे, 19 माइनस 4 15 माइनस 15, इस साइड पे हम 15 माइनस 8, सबसे पहले हम 15 में से 8 माइनस कर लेते हैं, माइनस साइन 8 पर है सो यहां पर प्लस साइन लगेगा, 7 प्लस 7 एंड माइनस 9 प्लस 7 एंड माइनस 9 माइनस 2, यहां पर 15 माइनस 8 प्लस 7 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 9 प्लस 7 एंड माइनस 9 आंसर इज माइनस 2, माइनस 15 एंड माइनस 2. माइनस में नंबर्स जितने बड़े होते हैं वो उतने ही छोटे हो जाते हैं, और जो छोटे नंबर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, सो माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 15 सो ये साइन लगेगा हमारे, 23 माइनस 41 प्लस 11 माइनस 11 माइनस 41 माइनस 11. सो यहां हम पहले अब पॉजिटिव साइंस को प्लस कर लेते हैं, 23 पॉजिटिव है एंड 11 इज पॉजिटिव, दोनों प्लस में है, इन्हें हम प्लस करते हैं तो 34 आता है, 34 यहां पर हमारे पास माइनस साइन में 41 है तो माइनस 41 एंड प्लस 34, 11 में से 4 कम करेंगे 7 आएगा, 3 माइनस 3 0, यहां पर माइनस 7 आंसर इज माइनस 7. यहां नेगेटिव साइंस को हम पहले प्लस करते हैं, माइनस 41 एंड माइनस 11 दोनों साइन एक जैसे हैं, नेगेटिव है तो हम इन्हें ऐड करेंगे आंसर हमारा माइनस में ही आएगा 52. उसके बाद हम पॉजिटिव साइन को इसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्वेल्व माइनस 3 9, 4 माइनस 2 2 माइनस 29. माइनस 7 इज ग्रेटर देन माइनस 29 बिकॉज नंबर जब छोटा होता है नेगेटिव में तो वो बड़ा होता है बड़े नंबर से जो कि नेगेटिव में है, दो नंबर्स अगर नेगेटिव है तो जो छोटा नंबर है वही सबसे बड़ा होगा. डी देखते हैं हम, 39 प्लस माइनस 24
minus 15. Thirty-six plus minus 52 minus 36. यहां पर हम 39 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 15, पहले साइन को ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को. 36 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस प्लस 36. अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं. 24 एंड 15 दोनों अब माइनस है. 9 39 माइनस 39 एंड 39 यहाँ पर प्लस में है, प्लस 39 जीरो, तो यहाँ पर आंसर आया जीरो. एंड इधर पॉजिटिव साइन को हम पहले प्लस करते हैं. 36 प्लस 36 72 प्लस में है दोनों, हमारा आंसर भी प्लस में आएगा. नेक्स्ट हम 52 जो कि माइनस में है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0 7 माइनस 5 20 प्लस 20, तो 0 और प्लस 20. अब इनमें से बड़ा कौन है? प्लस 20, सो हमारा साइन ये होगा. 0 से बड़ा है प्लस 20 एंड 0 से छोटा है माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5. धीरे धीरे नंबर्स बड़े होते जाते हैं. ई माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51 माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81. पॉजिटिव साइन को पहले हम प्लस करते हैं. माइनस 231 को हम एज इट इज लिखते हैं. 79 एंड 51 130 प्लस 130. यहां पर भी हम नेगेटिव साइन को एज इट इज लिखते हैं, पॉजिटिव साइन को प्लस करते हैं. 159 प्लस 81 10 1 240 399 प्लस 240. नेक्स्ट हम अपोजिट साइंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस 231 प्लस 130, साइन अपोजिट है, बड़ा नंबर ये है 231, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे आंसर में. 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 1, माइनस 101. 399 एंड प्लस 240, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, माइनस साइन लगेगा क्योंकि 399 बड़ा है, सो माइनस 159. अब माइनस 101 और 159 में से बड़ा कौन है? माइनस 101 इज ग्रेटर देन 159. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट. ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. फर्स्ट ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप. इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रिच द वॉटर लेवल. इसके लिए आपको इक्वेशन दिया है माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 8. नेक्स्ट है आपका आफ्टर ड्रिंकिंग वॉटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक. फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव. इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रिच बैक द टॉप स्टेप. इसके लिए भी आपको एक इक्वेशन दिया है 4 माइनस 2 इक्वल 8. नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represent his moves in parts 1 and 2 by completing the following. तो हम देखते हैं first. Question number 10. First हम देखते हैं. While going down, the monkey jumps 3 steps. Down and 3 steps down and then jumps
two steps up. To reach the water level. He jumps. माइनस थ्री, वो थ्री स्टेप्स डाउन जा रहा है. ये हमारे पास स्टेप्स हैं. यहां पर है मंकी. मंकी अगर थ्री स्टेप्स डाउन जाता है, वन टू थ्री, तो वो टू स्टेप्स अप होता है, तो वो यहां पहुंचता है. फिर वो थ्री स्टेप्स डाउन जाता है, फिर टू स्टेप्स ऊपर जाता है. इस तरीके से डाउन जाता है तो उसे हमने लिया माइनस थ्री, एंड अप होता है तो प्लस टू. अगेन डाउन, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू. माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एट. हमारे पास माइनस एट आना चाहिए. तो माइनस एट आने के लिए हमने कितने बार यहाँ पर माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू कंटिन्यू किया है, ये हमें देखना है. माइनस थ्री प्लस टू आंसर इज माइनस वन. माइनस वन यहाँ पर हमने लिखा माइनस वन. माइनस वन एंड माइनस थ्री माइनस फोर. माइनस फोर प्लस टू माइनस टू. माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव. माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री. माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स. माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर. माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन. माइनस सेवन माइनस टू माइनस फाइव. माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट. माइनस एट आ गया हमारे पास इतने नंबर्स को प्लस करने के बाद, तो हमारा आंसर यहाँ आता है माइनस एट. तो हम कितने स्टेप्स में माइनस एट पर पहुंचते हैं, तो ये हमें देखना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन. मंकी रीच माइनस एट, रीच एट माइनस एट बाय इलेवन स्टेप्स इन सेकेंड. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही जंप बैक एट प्लस एट. इट मीन्स वो वापस फर्स्ट स्टेप में कितने जंप्स में आएगा. अगर मंकी यहाँ नाइन्थ स्टेप में है तो वो फोर स्टेप्स ऊपर जाता है फर्स्ट स्टेप, फिर टू स्टेप्स नीचे आता है सेकेंड स्टेप, फिर वो वन टू थ्री फोर स्टेप्स ऊपर जाता है थर्ड स्टेप, फिर वन टू स्टेप नीचे आता है फोर्थ, फिर वन टू थ्री फोर स्टेप्स फिर ऊपर जाता है. तो फाइव स्टेप्स में मंकी पहुंच जाता है टॉप में. तो इसे अब हमें शो करना है. प्लस फोर माइनस टू, प्लस फोर माइनस टू, प्लस फोर. इसे हम ऐड करके देखते हैं. प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर एंड प्लस फोर प्लस ट्वेल्व. एंड माइनस टू, माइनस टू हुआ माइनस टू, एंड माइनस टू हुआ माइनस फोर. प्लस ट्वेल्व में से हम माइनस फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आंसर आएगा प्लस एट. द आंसर इज प्लस एट. टॉप में पहुंचने के लिए ही टेक्स एट जंप्स टू रीच द टॉप. नेक्स्ट है, इन एट द सम माइनस ए रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय एट स्टेप्स. इट मीन्स फर्स्ट में आपको माइनस एट ये बता रहा है कि वह मंकी नीचे जा रहा है माइनस एट स्टेप्स. सो व्हाट विल द सम इन एट बी रिप्रेजेंट. सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्लस एट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंड क्वेश्चन में प्लस एट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी टॉप में पहुंच रहा है. प्लस एट मीन्स वो फर्स्ट स्टेप में है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.